ये हर लड़ाई एक दूसरे का समर्थन है, ये हर लड़ाई एक दूसरे का समर्थन है, ये मान के चले सभी साथी। आप 8 तारीख को सभी के सभी करनाल की जो ललकार रैली थी, ऐतिहासिक रैली को आपने सफल बनाया, उसमें आप पटनी रेहड़ी के साथी भी थे, पंचकुला के साथी भी थे, उसमें बहुत बड़ी तादाद में पूरे हरियाणा की आशा वर्कर्स थी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी थे, उसमें मिड डे मील भी थी, उसमें आंगनबाड़ी भी थी, भवन निर्माण के मजदूर भी थे, अलग अलग औद्योगिक एरिया से भी वर्कर उसमें गए। आप सब ने जिस ढंग से हरियाणा के इतिहास में, मजदूर आंदोलन के इतिहास में 8 अक्टूबर की ललकार रैली को सफल बनाया, उसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। आज यहां 3 मोर्चे हैं, एक मोर्चा पटनी रैली का जो ऑलरेडी चल रहा है, एक मोर्चा आशा वर्कर्स का जो आज 64 दिन हो गए हैं, एक मोर्चा आज से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान करते हुए पूरे हरियाणा के हजारों ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज तमाम जिला हेडक्वार्टर पे हड़ताल करके मोर्चा लगा रहे हैं। मैं हरियाणा सीआईटीयू की ओर से आपके तीनों मोर्चों का पुरजोर समर्थन करता हूं। आज आप प्रदर्शन लेके आए पटनी रैली के साथ ही, आखिर क्यों? ये रैली में भी आवाज उठी थी, पूरा सवाल वहां पे उठा था। देश में कानून है, एक नियम है, बड़े संघर्ष के बाद अलग से प्राइवेट बिल पेश करके कमल तपन सेन जो सीआईटीयू के राष्ट्रीय महासचिव है, उसमें सांसद थे राज्यसभा के, पटनी रैली के सवाल को उठाया था, एक कानून बना। मगर आज गुड़गावा का नगर निगम, गुड़गावा का प्रशासन, गुड़गावा की पुलिस उस कानून की धज्जियां उड़ा रही है। ये मत समझना कि ये पटनी रैली के मजदूर अकेले हैं, पूरी हरियाणा सीआईटीयू आपकी पीठों पर ये कहने के लिए आए हैं। अभी मेरे साथ कॉमरेड सुरेखा नू में गई है, कॉमरेड साहब भगवान पलवल में गए हैं, मैं आज आपके बीच में आऊं, ऐसे सीआईटी का पूरा राज्य नेतृत्व और पूरे हरियाणा के आसपास के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में पहुंच रहा है। इसलिए यहां का डीसी महोदय स्वयं हस्तक्षेप करे, पटनी रैली के साथियों के साथ बातचीत करे, नगर निगम को बोले और यहां के प्रशासन को बोले, ये पटनी रैली को उजाड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहने के लिए आए साथियों। इसमें थोड़ा सा आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आज धरना कितने दिन से लगातार चल रहा है? 35 दिनों। अब आखिरी संडे को तो आप सबको इकट्ठा करते हैं, अब लड़ाई के मैदान में है, मोर्चा लग रहा है, पीछे भी मोर्चा लगा था, खुद खट्टर साहब यहाँ पे आए थे, आपकी पटनी रैली के साथ बातचीत करनी पड़ी थी, पूरी मीटिंग के अंदर बोलना पड़ा था। आपको इसी ढंग से अपनी ताकत को बनाना है। आज बेरोजगारी देश में सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार का सवाल बहुत बड़ा है,
ये सरकार लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती, लेकिन स्वयं जो अपना काम करके मेहनत करके कमा के अपना पेट भरना चाहते उनको ये पेट भी नहीं भरने देती। ये क्या तमाशा है? जब आप रोजगार नहीं दे सकते तो लोगों को छीनो तो मत, उनको अपना काम करने दो। एक रेहड़ी बनाने में पूरा सामान लेने में कितना खर्चा लगता है आपको? एक मिनट लगती है उसकी रेहड़ी को उजाड़ने में। शर्म आनी चाहिए। इसलिए साथियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने संघर्ष को मजबूत कीजिए। एक एक पटड़ी रेहड़ी के पास जाइए, सभी साइडों पर जाइए, सबको मोबिलाइज किए और एक पूरी तैयारी के साथ एक हल्ला बोलने की तैयारी करो। आप लोग सफल होंगे। अभी 2024 आ रहा है, सीआईटी ने मांग पत्र दिया, वहां चीफ मिनिस्टर की ओर से उनका प्रतिनिधि आया था कि अपन लेके गए। हमने कहा इन मांगों को स्वीकार करो। क्या मांग है? 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन, मनरेगा के लिए काम, पटरी रेहड़ी को उजाड़ना बंद करो। हमारी ये आंगनबाड़ी आशा वर्कर 2 महीने से ऊपर आज हड़ताल को हो गए। खुलर साहब ने बातचीत की, पूरा डिस्कस हुआ और उन्होंने अखबार में दिया रैली से पहले वाले दिन कि हमने पूरी तैयारी कर ली है बातचीत की। मुख्यमंत्री से मिला, हम आपकी बात कराएंगे। अब मुख्यमंत्री की थे तो कैसे वो इनकी पन्ना प्रमुख, कितने पन्ना प्रमुख की मीटिंग करे, कितने जनसंवाद करे। आज के रखा है जनसंवाद में जनता ने मुख्यमंत्री के बच्चे उड़ा दिए, उसको जवाब दे दिया जनता ने उसके सामने। कौन सा जनसंवाद कर रहे हो आप? उनको समय नहीं है। पूरे हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग ठप पड़ा है। ये बेटियां पूरे प्रदेश के लिए काम करती है, मगर उसको समय नहीं है। समय रहते मगर फैसला नहीं किया। ऐलान किया गया था रैली में बोलते हुए 18 तारीख को जितने भी मंत्री है पूरे हरियाणा सरकार के, उनके दरवाजों पे हमारी आशा वर्कर पूरा 24 घंटे का पड़ाव डालेंगे। ये बात करना चाहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, 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 आशाओं का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी सारी नगर निगम के कर्मचारी अलग आंदोलन पे हैं, वहां भी रोजगार छीना जा रहा है। 15 तारीख को रोहतक में पूरे हरियाणा का नगर निगम कर्मचारी हजार हजार की तादाद में जाएगा रैली करने। वो अपनी लड़ाई ले ऐसे ही, और बड़े संघर्ष की तैयारी। 3 नवंबर को पूरे देश के राज्य कर्मचारी फेडरेशन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रामलीला मैदान में बड़ा पड़ाव डालने जा रही है। अब वक्त आ गया, किसान मोर्चा ने आज उज्जैन के अंदर उप मुख्यमंत्री का घेराव कर रखा है, निकलने के लिए जगह नहीं है। इसलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है साथियों, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे और इस सरकार को 2024 में ऐसा आईना दिखाएंगे, ऐसा आईना दिखाएंगे कि इनको ढोल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कहना चाहते हैं इनको। इसलिए ये लड़ाई इन्होंने एक हथकंडा अपना रखा जिसको समझना जरूरी है। जात धर्म गोत नाक पूरे समाज को आपस में लड़ा दो, बांट। कभी 36 का नारा ला दो, कभी हिंदू मुस्लिम का नारा ला दो, कभी हिंदू सिख का नारा लगा दो, कभी जाट गैर जाट का नारा लगा दो। इस बार ये चलने वाला नहीं है। ये काठ की हंडी बार बार नहीं मिलेगी। हमने रैली में ऐलान किया, 2 ही पड़े हैं, एक पड़ा मोदी का, अंबानी का, अमित शाह का और मोदी का है, एक पड़ा इनका है, एक पड़ा पूरे देश के कमा के खाने वालों का है। इधर लड़ाई बड़े बंदी की है, हम सब मिलेंगे,
एकजुट होंगे और इस बार इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे ये याद रखेंगे जिंदगी भर। इसलिए ये लड़ाई है साथी, और ज्यादा नहीं बोलते हुए आपने तो लड़ाई छेड़ रखी है। सीआईटी पूरे तौर पे आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे इन्हीं बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी साथियों को, पूरे हौसले के साथ हिम्मत के साथ आप इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंत तक जीत आपकी होगी। इसी नारे के साथ एक नारा दूंगा, सभी साथियों ने आवाज लगानी है, मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 पकड़ी रेडी एकता जिंदाबाद, 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 संघर्ष। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका? सतवीर सिंह। सर क्या कहना चाहते हैं आप रेडी पटरी वाले भाई? ये पटरी रेडी के साथियों की बहुत ही न्याय संगत लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है। आज बढ़ती महंगाई में गरीब आदमी को गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, ये अपना काम धंधा कर रहे पटरी रेडी लगा के, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। बड़े दुख की बात है कि तमाम कायदे कानून की वायलेशन करके गुड़गावा का नगर निगम प्रशासन, गुड़गावा का पुलिस प्रशासन, गुड़गावा का जो पूरा प्रशासन है, डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी कोई इस बात का एहसास नहीं है कि लोग अनिश्चितकालीन बैठे धरने के ऊपर, बुला के बातचीत करें, समाधान करें। ये एक गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, जनता विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान महिला विरोधी सरकार है। और हमने भी फैसला कर लिया, जो जनता की दुश्मन सरकार है उसको उखाड़ के दम लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और पटरी रेडी के साथ ही जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी पीठ पे खड़े। और आज की करनाल रैली के अंदर भी हमने इस बात को दोहराया था, और पूरे हरियाणा का मजदूर वर्ग पटरी रेडी के साथ। धन्यवाद सर, हमारे कॉमरेड सतवीर जी के पूरे जोश में और सभी रेडी पटरी वालों के साथ में। धन्यवाद सर।